नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ फिर से कहेंगे समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और साथ ही साथ विशाखी के पर्व पर भी पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं माता के पवन नवरात्र पर। हम यही दुआ करेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी कि ये कोरोना महामारी का कहर जो हमारे सर पर है, पूरे देश पूरे विश्व में है, ये जल्द से जल्द इसके बादल छट जाए और हम लोग हमारे लोगों की जिंदगियां, आम लोगों की जिंदगियां जो पटरी पर फिर से आ गए। इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ के लाइव दृश्य, हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य इस समय बता रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। ये यहाँ पर तारबंदी कर दी गई है और आप भी जानते हैं कि ये तारबंदी क्यों की गई है। कुछ दिन पहले जम्मू यूनिवर्सिटी से पॉजिटिव केसेस का आना और साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल जो जम्मू यूनिवर्सिटी के, वहाँ से भी पॉजिटिव केसेस काफ़ी सारे आने शुरू हो गए, जिसके चलते जम्मू यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और जो एग्ज़ाम्स थे उनकी डेट भी पोस्टपोन कर दी गई है। और कुछ दिन पहले भी लगातार जो कि परेड कॉलेज की छात्राओं ने, स्कूली बच्चों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे कि अगर ऑनलाइन स्टडीज़ हुई है तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी होने चाहिए थे। और परेड कॉलेज की बात करें तो वहाँ की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया था, पर कहीं ना कहीं परेड कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया था कि एग्ज़ाम्स ना ही तो पोस्टपोन होंगे ना ही ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, तो बहुत बड़ा सवाल निशान था। उसके बाद लगातार जिस तरह से स्कूलों के बच्चे, स्कूली बच्चों बच्चे भी पॉजिटिव आने शुरू हो गए कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटी से भी, तो जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया कि जम्मू के जितने भी स्कूल्स हैं अप टू 9th तक उनको दो वक्त वीक के लिए, उसके बाद जो उनको दो वीक के लिए, और जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनके स्कूलों को एक वीक के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कल से फिर से जो एक ऑर्डर आता है हमारे जेके यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से, कि उस जो उनका पीरियड था वो 18 अप्रैल तक कर दिया गया कि 18 अप्रैल तक जितने भी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। और साथ ही साथ जम्मू यूनिवर्सिटी इस समय खड़े हैं, जो हमने पूरे दृश्य बताए यहाँ के लाइव दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, कि जिस तरह से लगातार केसेस जम्मू यूनिवर्सिटी से भी आने शुरू हो गए और साथ ही साथ जम्मू के यूनिवर्सिटी के गर्ल हॉस्टल से भी केस आने शुरू हो चुके थे, उसके चलते जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ये निर्णय लिया कि ये यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। और यही ज़रूरी भी था क्योंकि ऐसे कदम उठाने कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जान को भी बचाना और जहान को भी, तो ये तभी हो जाता है अगर ये ऐसे उदाहरे जहाँ पर बच्चों की आवाजाही रहती है और बच्चों की ज़िंदगी को हम खतरे में नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी, यानी कि माता पिता भी चिंतित होते हैं इसके चलते, और साथ ही कॉलेज को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और बताना चाहेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जिस तरह से आप जानते हैं कि 26 जो कि MBBS स्टूडेंट्स जो हैं, जिनके 26, 27, 28, 29 अप्रैल को प्री फाइनल एग्जाम्स होने जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशन हॉल में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सही समय है उनका ऑफलाइन एग्जाम्स लेने का? क्योंकि बच्चे कई ऐसे भी हैं जो डर के मारे में भी, जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबरें आ रही है कि वो टेस्ट भी नहीं करवा रहे, और लोग अगर जिनको कोई सिम्टम्स भी हैं वो भी छुपा रहे। छुपाने का कारण यही है कि अगर वो बताएंगे तो उनके एग्जाम्स को, उनको एग्जाम से बाहर कर दिया गया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय और कंसर्न का विषय भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि इस समय वाकई के एग्जाम लेना अनिवार्य है। इन एग्जामों को आगे भी एक्सटेंड भी किया जा सकता है क्योंकि जान है तो जहान है, एग्ज़ाम्स तो होते रहेंगे अगर ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी की और बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। और इससे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेने की ज़रूरत है क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी, आप जितना जानते हैं, कोविड के केसेस भी आते हैं, दूसरे केसेस भी आते हैं, काफ़ी सारी जो बीमारियों का इलाज हमारे गवर्नमेंट और सेंटर सिटी के होने के बावजूद हर किसी का रुझान, हर किसी का खिंचाव उसी हॉस्पिटल की तरफ रहता, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही साथ अपनी जनता को फिर से कहेंगे माता रानी के जो पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, और बताना चाहेंगे जिस तरह से बावे मंदिर की, माता माँ काली के बावे मंदिर की हम बात करें तो टाइमिंग अपनी जनता को ज़रूर बता देंगे, जो हम इस समय दैनिक शिव टाइम के माध्यम से देख रहे हैं, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक वो मंदिर खुला रहेगा। हर कोई वहाँ जाकर माता की अर्चना पूजा कर सकता है, माता के आगे अपनी अरदास लगा सकता है
और माता रानी के दर्शन कर सकता है इस पावन नवरात्रों में। और उसके बाद बताने के 2 से लेकर रात 8 बजे तक वो मंदिर खुले रहेंगे, 1 घंटे का बीच में गैप होगा, उसके बाद 2 से 8 बजे तक ये मंदिर खुले रहेंगे। और अपनी जनता से ये भी निवेदन करेंगे कि अगर माता रानी के दरबार में आप जा रहे हैं पूरे SOPs को फॉलो करिए, ताकि आप खुद तो बचाव करें, दूसरों अपने परिवार के लिए बचाव लेकर आए। और आप पूरे मास्क पहनकर जाइए, सैनिटाइज अपने पास रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन रखिए। दिन सुबह का बताएंगे 6 से लेकर 1 बजे तक और 2 से लेकर रात को 8 बजे तक मंदिर खुले रहेंगे। और आप जाकर वहाँ पे अर्चना पूजा माता रानी के आगे अपनी अरदास दुआएं मांग सकते हैं इस पावन अवसर पर। और उसके बाद 8 बजे के बाद आपको कोई भी अनुमति वहाँ मंदिर में जाने की नहीं होगी। पर जो लोग भी माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं इस पावन अवसर पर, जाइए ज़रूर, पर पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करके, SOPs को फॉलो करके, क्योंकि सुरक्षा ही जिंदगी है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने जो समाज को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपनी जनता तक लेकर इसीलिए आते हैं कि जो लोग इससे अवगत नहीं है या जिन तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँचती उन तक भी ये पहुँचे। फिर से कहेंगे माता रानी के इन पावन अवसर पर हम माता रानी से खुद भी यही दुआ करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी का कहर है, माता रानी हमारे गुनाहों की बख्शिश करें, कि हम हमारे गुनाहों को माफ़ करें। कहीं ना कहीं जब धरती पर इस तरह का महामारी आती, कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से कही जाती, किसी इंसान की तरफ से नहीं लाई गई है। और इस महामारी एक झटका है, एक हमारे लिए झिंझोड़ते हैं भगवान भी कि सुधर जाइए, गलत ना करिए। जब धरती पर पाप ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी चीज़ें होती भी अनिवार्य भी हैं। कहीं ना कहीं इंसानों को ये चेतावनी दी जाती है, सुधरिए, किसी का बुरा ना करिए, किसी का हक मत खाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी। और साथ ही साथ कल माह रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है, अपने पूरे देशवासियों को भी माह रमज़ान की भी इन एडवांस बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। जो भी इबादत करते, जो भी रोज़ादार हैं, वो भी यही दुआ करें कि इस महामारी से हमारे गुनाहों की मगफरत हो, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो। अनजाने में अगर हमसे कोई गुनाह हो गया तो उस अल्लाह से, उस रब से ये दुआ मांगे, हमारी बख्शिश हो, हमारे हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाए। तो दर्शकों, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।